आज 29 अगस्त को दक्षिण भारत का प्रमुख त्यौहार ओणम है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार 20 अगस्त से शुरू हुआ था। ऐसे में ये त्यौहार समापन की ओर बढ़ रहा है। पूरे दक्षिण भारत में इसकी धूम देखने को मिल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कहीं महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे नृत्य कर रही हैं, तो कहीं लोग माथा टेकने भगवान के दरबार में पहुंचे हैं और कहीं महिलाएं झूला झूलती दिख रही हैं। कोयंबटूर में लोग ओणम के मौके पर भगवान अयप्पा के मंदिर पहुंचे। वे लाइन में लगकर भगवान की बस एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं ने खूबसूरत गीत गाया और फूलों से बनी रंगोली के आसपास नृत्य किया। वहीं तिरुवनंतपुरम से कुछ ऐसी वीडियो भी आई है जो महिलाओं की शक्ति को उजागर कर रही है। साथ ही ओणम के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। कोची से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बच्चे को वामन का रूप दिया गया है और ढोल मजीरे के साथ रैली निकाली जा रही है। ओणम खासतौर से खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी समर्पित है।